फूड सेफ्टी ऑफिसर की आज की क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिपिड और इसके आइडेंटिफिकेशन है। लिपिड और इसके आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये रहा कि अब अगर हम सिलेबस को उठा के देखते हैं तो इस टॉपिक को लिखा किस वे में गया है, कि इस टॉपिक को अगर हम देखें कि लिखा किस वे के अंदर गया है, तो हमारे को ऐसे कहीं भी सिलेबस को देखते हैं तो लिपिड और आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। हमारे जो टॉपिक जो दिया हुआ है वो क्या नाम से दे रखे हैं हमारे, न्यूट्रिशन, यानी कि फूड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम फूड न्यूट्रिशन में जब फूड की बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, आपके दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और आपका एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस दे रखा है फसाई का, उसमें क्या बताया उन्होंने कि आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी पढ़ने हैं और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पढ़ने हैं। फसाई के सिलेबस के अंदर हम बात करें कि हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी पढ़ने हैं और वहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पढ़ने हैं। तो अगर हम देखें तो सिलेबस के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि किन को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और किन को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के में आपको क्या पढ़ना रहेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने रहेंगे, आपको फैट पढ़ना रहेगा, लिपिड पढ़ना रहेगा और आपको प्रोटीन भी पढ़ना रहेगा। तो क्यों? क्योंकि सिलेबस ने क्या मेंशन कर रखा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मैक्रो माइक्रो क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो अलग से पढ़ेंगे तब बता देंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं आपके, कि आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर इम्पोर्टेंट तो दोनों है, इम्पोर्टेंस तो आपकी दोनों है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको कम मात्रा के अंदर, कम मात्रा या कम अमाउंट के अंदर आपको ज़रूरत होती है इन न्यूट्रिएंट की, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या आते हैं, आपके विटामिन्स आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं। तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमेशा बहुत कम अमाउंट में, माइक्रोग्राम तक की कम अमाउंट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो होते हैं आपके माइक्रोग्राम या आपके नैनोग्राम तक की अमाउंट में होते हैं, जबकि ये आपके किस अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, इनकी ग्राम में ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। मैक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए बॉडी को और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, इस लिपिड के ऊपर, कि रियल मायने में लिपिड्स क्या होते हैं और जब ये फूड के अंदर आपका लिपिड के रूप में मौजूद होता है तो ये किस तरह इसको अपन फूड के अंदर लिपिड को आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। सही बात है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, किसकी, लिपिड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से किस तरह से आपका डिफरेंट होता है। तो अच्छे से जानते हैं कि लिपिड्स, लिपिड का जब भी नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती है हमेशा, फैट एंड ऑयल। सही बात है, हम फैट की बात करते हैं और ऑयल की बात करते हैं। अच्छे से जानते हैं कि जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं ये सारे क्या होते हैं, वाटर इनको पसंद नहीं होता है, पानी इनको कभी भी पसंद नहीं होता। जब आप किसी ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करने जाओगे तो ऑयल और वाटर हमेशा एक दूसरे के साथ में क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे जो भी लिपिड्स होते हैं ये कैसी नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ऐसे जो भी लिपिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और ये कभी भी पानी के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, है ना। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये वाटर के साथ में मिक्स नहीं होते हैं। और जो ये लिपिड्स होते हैं ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये थोड़ी बायोकेमिस्ट्री की बातें हैं, हमको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसे होते हैं, आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है, तो आपके ये जो होते हैं लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो लिपिड होते हैं आपके, ये क्या हो सकता है, ये कोई फैट हो सकती है, ये कोई वैक्स हो सकती है या कोई स्टीरोल्स हो सकते हैं। ठीक है, जब कभी आपको लिपिड की बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हैं, फैट, वैक्स और
स्टीरॉल्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, सही बात है। यानी कि लिपिड बोल रहे हो तो आप किसको बोल रहे हो, फैट, वैक्स, वैक्स का मतलब वही मोम है ना, वैक्स का मतलब क्या होता है आपका, मोम होता है, और स्टीरॉल्स होते हैं, ये सारे के सारे तमाम क्या होते हैं आपके, लिपिड होते हैं। तो अच्छे से बात करें अगर हम कि लिपिड का रियल मायने में काम क्या होता है, लिपिड का रियल मायने में अगर काम क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो होती है कि जो भी ये लिपिड्स होते हैं ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करने का काम करते हैं ना, क्योंकि ये लिपिड क्या होता है, फैट होता है, और फैट हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिपॉजिट है, तो ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। एंड कॉन्टोर टू बॉडी है ना, कॉन्टोर टू बॉडी का मतलब भी यही है कि आपकी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन कर रहा है शेप के अंदर, तो ये भी कौन कर रहा है, आपका फैट ही ये काम कर रहा है। दूसरा, हमारी बॉडी के लिए फैट किस तरह से काम करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब होता है कि हमारी जो दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती है, हमारे दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको पूरा करने के लिए क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है। उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है आपका, यहाँ पर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है और अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, बराबर बात है। अब आ जाइए इसके बाद में, अपन समझ सकते हैं कि लिपिड को हम किस तरह से क्लासीफाई करें, लिपिड का एक क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। जब तक आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप लिपिड के आइडेंटिफिकेशन की बात आप नहीं कर सकते, कि लिपिड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लिपिड को हम क्लासिफाई करने की बात करें तो सबसे पहला जो लिपिड का टाइप्स होता है, सिंपल लिपिड है ना, लिपिड कैसे होते हैं आपके, सिंपल लिपिड हो सकते हैं। इसी तरह से लिपिड का टाइप कैसा हो सकता है, सिंपल है तो कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो लिपिड का एक टाइप कैसा हो गया, कंपाउंड लिपिड हो गया, और अगला जो टाइप्स हो गया आपका वो कैसा हो गया, डेराइव्ड लिपिड। कैसा टाइप हो गया आपका, डेराइव्ड लिपिड हो गया, यानी सिंपल, कंपाउंड और डेराइव। डेराइव का मतलब कि वो इन्हीं सिंपल या कंपाउंड लिपिड से जिनका डेरिवेशन किया गया, डेराइव किए हुए हैं ना। तो अब अगर सिंपल लिपिड की बात करें तो ऐसे जो सिंपल लिपिड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फैट और वैक्स है ना। आपने लिखा ना अभी आपको फैट या वैक्स होते हैं, है ना। तो ये जो फैट होता है आपका और जो आपका वैक्स है, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर भी ये जो फैट जमा हो रखा है, ये जो फैट जमा हो रखा है ये अपनी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है, कोटिंग एक तरह से कोट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या होता है आपका, सिंपल लिपिड क्या कैटेगरी का होता है, यानी कि फैट या जो वैक्स होते हैं आपके वो सिंपल लिपिड वाले होते हैं। अगेन जो कंपाउंड लिपिड होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड लिपिड होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, अगर हम इनकी बात करें, यह आपका फॉस्फोलिपिड हो सकता है, ये आपके हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, और ये आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, और ये आपके हो गए लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, समझिए बात को, नाम से पता चल रहा है आपको, इसके अंदर लिपिड के साथ क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप। लिपिड के साथ क्या जोड़ दिया आपने, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। और लिपिड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो इसके एग्जाम्पल है लेसिथिन, इसका जो एग्जाम्पल है लेसिथिन। आपने बहुत बार लेसिथिन का नाम जब हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारे फूड एडिटिव्स के अंदर लेसिथिन को इमल्सीफायर के रूप में काम में लिया जाता है। जब हमने फूड एडिटिव का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर लेसिथिन का हमने जिक्र किया था एज ए इमल्सीफायर की तरह। तो आपका जो लेसिथिन होता है ये रियल में क्या होता है आपका, फॉस्फोलिपिड होता है और कंपाउंड लिपिड का एक टाइप्स होता है। तो ऐसा जो लेसिथिन और दूसरा क्या आता है आपका, सिफेलिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसिथिन के बारे में पता होना चाहिए, सिफेलिन नहीं भी ध्यान रहे तो भी काम चल सकता है। अगेन दूसरा जब हम बात करते हैं
यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड का मतलब यह हुआ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है और साथ में इसके किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ऐसे कौन होते हैं, सेरिब्रोसाइट्स, इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइट। ठीक है, सेरिब्रोसाइट फेट कहाँ पर मिलती है, अपना जो ब्रेन होता है, अपना जो ब्रेन या नर्व सिस्टम होता है उस नर्व सिस्टम के अंदर के वहाँ पर डिपोजिशन, नर्व के ऊपर, ब्रेन नर्व के ऊपर डिपोजिट कौन पाया जाता है आपका, सेरिब्रोसाइट नाम का ये फेट पाया जाता है। कैसी कैटेगरी का है, ग्लाइकोलिपिड की कैटेगरी का है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा लिपोप्रोटीन्स, यानी कि लिपिड किसके साथ जुड़ी होती है, प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब हम बाहर कई बार ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट के अंदर जिसके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बोलते हैं ना अपन भाई किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है ना, बीपी हो रहा है, तो उसके ये टेस्ट लिख दिए जाते हैं। तो वो टेस्ट किन के होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के। वो चेक किया जाता है एलडीएल क्या है, वहाँ चेक किया जाता है वीएलडीएल क्या है, वहाँ चेक किया जाता है एसडीएल क्या है। ठीक है, जब कभी हम इनको, जब बायोकेमिस्ट्री के अंदर इनको डिस्कस करेंगे कभी, तो इनके बारे में डिटेल से समझेंगे कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, है ना। तो ये तीन नाम है, इनके थोड़े से फुल फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए। और ऐसा होता है बहुत बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ये आप किसी की भी रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये तीनों नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। सही बात है, आ जाइए इसके बाद में। हमने कंपाउंड लिपिड की बात कर दी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेसिथिन इम्पोर्टेंट था, एग्जाम्पल के तौर पर आपके ये एलडीएल वीएलडीएल एसडीएल क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। और कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये कंपाउंड लिपिड की कैटेगरी के अंदर इनको शामिल किया गया है। अब जब बात करते हैं अपन डेराइव्ड लिपिड की, ठीक है, डेराइव्ड लिपिड की जब हम बात करते हैं तो इन डेराइव्ड लिपिड को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो गया आपका, फैटी एसिड, और दूसरा क्या हो गया आपका, कोलेस्ट्रॉल। फैटी एसिड और आपके कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का आपको अच्छे से पता ही है, बहुत बार अपन इसका नाम वगैरह सुनते ही हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के भी क्या होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मौजूद रहता है आपका, ठीक है। जब ज़्यादा फैट ऑयल वगैरह हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के भी क्या होते हैं, डेराइव होते हैं कि हम जो भी फैट या ऑयल खाते हैं, ठीक है, तो वो फैट या ऑयल आगे चल के कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी में बनता ही है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल से भी क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ जगह पे किस में काम में आ जाती है, विटामिन डी बनाने में। तो ध्यान रखना, विटामिन डी क्या होता है आपका, एक तरह का फैट होता है, सॉरी एक तरह का लिपिड होता है। विटामिन डी क्या होता है, अपने आप में एक तरह का लिपिड होता है। और इस लिपिड कौन किसका डेराइव, कौन सा लिपिड होता है विटामिन डी, आपका डेराइव लिपिड की कैटेगरी के अंदर इसको अपन शामिल कर सकते हैं। सही बात है। अब दूसरी तरफ जो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों के अंदर क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन बनते हैं, वो भी क्या होता है, डेराइव कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह सकते हो अपन, बाइल एसिड, बाइल पित्त, हमारा जो लीवर होता है वो बाइल का जो निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, तो ये बाइल का जो सिंथेसिस होता है तो उस बाइल में भी क्या मौजूद होते हैं, आपके बाइल में भी क्या मौजूद होता है, लिपिड मौजूद होता है। लिपिड कंपोजिशन की वजह से इस बाइल का भी सिंथेसिस होना शुरू होता है। सही बात है। तो अब देखिए, सेक्स हार्मोन के नाम अपने को पता ही है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, है ना, जो भी ये सेक्स हार्मोन होते हैं वो सभी सेक्स हार्मोन किसके डेरिव्ड होते हैं, आपके डेराइव्ड लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर अब इस पूरे चार्ट को अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे जो FSO का है ना एग्जाम, उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल वो है आपके फैटी एसिड्स। आगे ये जो टॉपिक बढ़ेगा वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस फैटी एसिड की डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। तो हमको थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर हम क्या बात करेंगे,
सैचुरेट फैटी एसिड की भी बात करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हमेशा क्या होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। इस ब्रैकेट में इस लाइन को लिखने का मतलब ये होता है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ कैसे होते हैं फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड, कैसे होते हैं ये, अनसैचुरेट फैटी एसिड होते हैं, जिनके अंदर हमेशा क्या मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड, जिनमें क्या मौजूद होता है आपका, डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ऐसे सैचुरेट फैटी एसिड और अनसैचुरेट फैटी एसिड किसके लिपिड होते हैं, डेराइव्ड लिपिड की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। बस अब इसमें इतना सा ध्यान रख लेना, जब कभी आप नाम सुने होंगे, आपने बहुत बार बुक्स वगैरह में नाम सुना होगा, आपको बताया गया है कि आप बोलते हो मोनो अनसैचुरेट और पॉली अनसैचुरेट, ये आपने नाम सुने भाई, मोनो अनसैचुरेट और पॉली अनसैचुरेट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तो सिर्फ क्या होता है, एक ही डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक ही डबल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड होंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो ये लिपिड का क्लासिफिकेशन है, इसको आपने क्या कर लिया, समझ लिया होगा कि किस तरह से आप लिपिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कैटेगराइज करने का पर्पज इसलिए क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं बुक वगैरह के अंदर, तो बहुत जगह पर इन लिपिड्स का नाम आता रहता है, तो हम रियल में क्या होता रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे माइंड में अगर ये चार्ट रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि बुक में जहाँ भी किसी लिपिड का नाम दिया जाता है वो किस जगह पर आपको ये बात कर रहा है। अब इसी क्लास में आगे हम ये देखेंगे कि कौन से आपके मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड होते हैं, कौन से आपके पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड होते हैं, सही बात है, और इन सिंपल लिपिड का मतलब क्या होता है, इन सिंपल लिपिड का मतलब क्या होता है, और ये डेराइव लिपिड के अंदर फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, ये अपने लिए थोड़ी सी क्या है, यहाँ पर काम की बातें हैं, सही बात है। तो हम यहाँ पर इनमें से जो हमारे काम की चीज़ें होगी उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए सिंपल लिपिड में जैसे हमने पहले बोला फैट और वैक्स, ठीक है, सिंपल लिपिड में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, सही बात है, जो हमारी पूरी बॉडी पे जो जमा हुआ दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये आपका क्या है, फैट है, सही बात है। ऐसी जो फैट होती है ये हमारी बॉडी के लिए किस तरह से काम करती, इंसुलेटर टू ऑफ बॉडी, बॉडी का इंसुलेटर ही एक तरह का है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको मेंटेन किया जाता है इस वैक्स के द्वारा, इस फेट के इंसुलेटर के द्वारा हमेशा आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ऐसा जो फेट होते हैं, तो देखा जाए तो ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल है ना, तो ग्लिसरॉल नाम से पता लग रहा है कि ये क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, नाम से पता चलता है एक तरह का एल्कोहल होता है, येलो हो गए आपके एल्कोहल, सही बात है। अब इस तरह का जो भी ये एल्कोहल है यानी ये ग्लिसरॉल है, ये क्या करता है आपका फैटी एसिड, क्या होते हैं आपके फैटी एसिड, इस फैटी एसिड के साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अच्छे से जानते हैं अपन, जब एसिड के साथ में क्या जुड़ते हैं, एल्कोहल, एसिड के साथ में जब एल्कोहल जुड़ता है, एसिड के साथ में जब एल्कोहल जुड़ता है तो हमेशा क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं, ये बात हम जानते हैं, है ना। तो अब आपके ये जो फैटी एसिड होते हैं, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप हैं, तीन OH ग्रुप है, ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप हैं,
तो ये तीन OH ग्रुप आपके क्या करते हैं, फैटी एसिड के येलो, यही है ना आपका। तो ये क्या करेंगे, आपके H है जो किसके, इसके जो आपका एल्कोहल का OH ग्रुप है, ये एस्टर के H ग्रुप के, सॉरी एसिड के H ग्रुप के साथ ये OH इस H के साथ में, ये OH आपका इस H के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो भाई ये ग्लिसरॉल के क्या बन गए, ट्राई, क्या बन गए, ये ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर बन गया। तो इसको लिखने का तरीका, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, है ना, ऐसा होता है। तो ये जो अपनी जो फेट बनती है, ये जो फेट बनने की प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, आपकी एस्ट्रिफिकेशन होती है ना। एस्ट्रिफिकेशन के द्वारा आपकी क्या बन जाती है, इस तरह की फेट बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन एस्टर ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें CH2O येलो, येलो जी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, कि जो हम बात कर रहे थे, यहाँ से क्या निकाल दिया, वाटर, तीन मॉलिक्यूल क्या निकाल दिया आपने, वाटर के निकाल दिए। यहाँ से तो चला गया आपका OH ग्रुप चला गया, और यहाँ से क्या चला गया, एसिड में से हाइड्रोजन चला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो अपने हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं भाई, डोनेट कर देते हैं। एसिड क्या होता है, अपना हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, और वो OH के साथ मिलके तीन मॉलिक्यूल वाटर निकाल देता है, और यहां पर क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड, या आपके क्या बन जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। यहां पर इस स्ट्रक्चर को समझने से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ इतना सा समझना है कि जो भी ये फैट होता है आपका, ये फैट क्या होता है, फैटी एसिड के एस्टर, ध्यान रखना, जो भी आपके ये फैट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फैटी एसिड के एस्टर होते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड के जो एस्टर होते हैं आपके, जिनको आप क्या बोलते हो भाई, एस्टर, सही बात है, फैटी एसिड के जो फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम फैट की बात करें, तो वो कैसा फॉर्म होता है, ये ट्राइग्लिसराइड। जब भी हम फैट की बात करें तो ये जो फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, ट्राइग्लिसराइड होती है, सही बात है। तो ध्यान रखना, ये जो फैट होता है आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, कैसे बनता है, एस्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा, एस्ट्रिफिकेशन के प्रोसीजर के द्वारा बनता है, सही बात है। और इस तरह से आपका क्या बन जाता है, आपका फेट बन जाता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को समझने का मतलब आपको फेट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, कि फेट की बात कर ली, इसी तरह से जो वैक्स या मोम होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके एक तरह के लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो थोड़ा सा हम और बात करते हैं फेट या ऑयल के बीच की, हम बात करते हैं कि ये फेट या ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत आसान सी बात है, अच्छे से जानते हैं, हमने फेट को देखा है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे ही हमेशा फेट कैसी दिखाई देती है आपको, सॉलिड जैसी दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर जब भी ऑयल को आप रूम टेम्परेचर पे दोखे तो देखोगे तो ये हमेशा लिक्विड रूप में दिखाई देगा, एट रूम टेम्परेचर पे, सही बात है। और जब आपकी फेट को आप होती है तो ध्यान रखना, इसका जो सोर्स है फेट किससे मिलता है भाई, पेड़ पौधों से या एनिमल से, तो जाहिर सी बात है फेट किससे मिलता है, एनिमल सोर्स से। फेट का सोर्स क्या होता है, एनिमल सोर्स होता है। जबकि आपको तेल कैसे मिल सकता है, आपको तेल क्या मिल सकता है भाई, आपका प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल सोर्स से, दोनों से आपको क्या मिलते हैं, ऑयल मिल जाते हैं। मूंगफली का तेल है ना, सुना है ना आपका, मछली का तेल, फिश ऑयल, ठीक है, फिश ऑयल हो गया आपका, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये जितने भी ऑयल होते हैं वो प्लांट और एनिमल ओरिजिन के होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ओरिजिन के होते हैं, सही बात है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सोर्स हो गया। अगेन जब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, हाई मेल्टिंग पॉइंट
और हाई बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है सॉलिड नेचर का है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे इनके, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल के, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, येलो सा, सही बात है। और सबसे काम की एक बात और जो इसका बेसिकली मेन डिफरेंस जो देखा गया है कि ये जो होते हैं फेट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके सैचुरेटेड, कैसा फेट होता है आपका सैचुरेटेड फेट, जो आपकी बॉडी पे जो जमा फेट दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा फेट आपका सैचुरेट फेट होता है। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इधर जितने भी ये ऑयल्स होते हैं ये कैसे होते हैं अनसैचुरेट, है ना। अब इसमें अनसैचुरेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है ना, किसी में अनसैचुरेशन ज़्यादा होता है, किसी ऑयल के अंदर अनसैचुरेशन कम होता है, लेवल अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन जब भी अपन बोलें कि फेट कैसे होते हैं सैचुरेट होते हैं और आपके ऑयल्स कैसे होते हैं आपके अनसैचुरेट होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने फेट या ऑयल के लिए जो बेसिक ये चार डिफरेंस होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब सबसे जो मेन बात आती है आपकी यहाँ पर क्या, कि ये जो आपका फेट या ऑयल हो गया, ये जो आपका फेट या ऑयल हो गया, सही बात है। अब इस फेट या ऑयल के अगर हम इसको पानी के साथ डिफरेंशिएट करें, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए वाटर और फेट या ऑयल में क्या फ़र्क होता है, तो एक बड़ी काम की बात यह है अच्छे से हम जानते हैं कि जितने भी ये फेट या ऑयल्स होते हैं, जितने भी फेट या ऑयल होते हैं इन फेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से कम होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है एक से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है लगभग एक, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है लगभग एक होती है। तो जब कभी आप पानी के अंदर, जब कभी आप पानी के अंदर, ये मान लीजिए आपका वाटर है और इस वाटर के अंदर आप क्या कर रहे हो फेट या ऑयल को अगर डालते हो, इस फेट को अगर डालते हो, तो ये हमेशा क्या बना लेता है एक लेयर बना लेगा, हमेशा एक क्या बना लेगा लेयर बना लेगा। तो ये जो लेयर बनती है आपकी, ये जो आपकी लेयर बनेगी ये लेयर कैसी होगी आपकी फेट या ऑयल की, फेट या ऑयल की क्या बन जाएगी लेयर बन जाएगी, है ना। यही होता है भाई, यही तो होता है। अपन दूध में से क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन क्रीम ये सब क्या होते हैं भाई फेट ही तो होता है, तो वो क्या होते हैं सतह पर तैरते रहते हैं, सतह पर तैरते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमेशा एक से कम होती है। तो ये क्या होता है कभी भी पानी के अंदर नीचे नहीं मिलेंगे, पानी की सतह पे ही मिलेगा। जब भी इनको मिक्स कर दोगे आप पानी के साथ तब तब ये हमेशा क्या होगा पानी की जो सतह होती है उस सतह के ऊपर हमेशा तैरते हुए दिखाई देंगे आपके फेट या ऑयल। पूछा हो क्वेश्चन है भाई फेट या ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है एक से कम होती है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना। अब एक से कम होने का मतलब कुछ भी हो सकती है 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.4 जो भी है ना, लेकिन होगी हमेशा क्या है एक से कम होगी, फेट या ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने क्या किया भाई कि सिंपल लिपिड के बारे में हमने यहाँ तक समझ लिया कि सिंपल लिपिड का क्या टाइप हो सकता है ना। अब हम आगे इसमें थोड़ा सा, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि डेराइव लिपिड क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे की जो क्लासेज होगी उनके अंदर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि डेराइव लिपिड की किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सी है। थैंक यू।